पंप चाहिए या इस तरह का जुगाड़ बनवाना हो तो मुझे बताएं। मात्र 9 पैनल पे चल रहा है अभी, तो धूप बहुत कम है। जब पूरी धूप होगी मौसम में तो बहुत ज़्यादा पानी देगा ये, और ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं इसका प्रेशर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि 3 HP DC मोटर जो डायरेक्ट सोलर पैनल से चलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे यह टोका मशीन चल रही है जिसे हम तारा काटिंग मशीन कहते हैं। तो 6 सोलर हैं और 330 वाट का एक है, और इसके ऊपर दोस्तों हमने वाटर पंप भी चलाया था, तो उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 3 HP की PMDC मोटर है, परमानेंट मैग्नेट। ये सिंपल 2 वायर डिजाइनिंग है, एक लाल और एक काला। इसमें किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, और इसके आप देखें इसके स्पेसिफिकेशन, 3 HP है, 180 वोल्ट DC करंट लेके चलती है, 15 एम्पियर लेती है, और दोस्तों इसके 3000 RPM है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इसको टोका मशीन पे ऐसे चला सकते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल से, और इसके साथ आप वाटर पंप भी चला सकते हैं। वाटर पंप आप इसके साथ 4 इंची का, 2 इंची का, 3 इंची का कोई भी चला सकते हैं। अगर आपको 4x4 का पंप इस पर चलाना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 12 पैनल लगाने पड़ेंगे, और आपको 3 इंची का पंप चलाना है तो आप 9 पैनल से भी उसको चला सकते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ये 3 इंची का पंप बनाया है ये जुगाड़ से, और दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस का वीडियो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे आगे शेयर भी करें। बिना कंट्रोलर चलती है दोस्तों, लॉन्ग लाइफ, पूरे दिन चलती है, कभी इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम, गर्म की प्रॉब्लम, कंट्रोलर ख़राब होने की कभी कोई दिक्कत ना आती। इसका परफॉर्मेंस देखें। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान अपने चैनल पर सोलर पंप की एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि अपने चैनल पर सोलर पंप से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, सोलर से रिलेटेड। आज ये 3 HP का वाटर पंप चलाया मैंने हाथ से बना के अपने, तो आप देखिए इसको। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये यहाँ पे 300 वाट के यहाँ पे 10 पैनल मैंने रखे हुए हैं, लेकिन इनमें से 9 वर्क कर रहे हैं अभी। ये यहाँ पर ये एक पैनल अभी हमने हटाया हुआ है, क्योंकि 3-3 की सीरीज बनाई हुई है, 3-3 की सीरीज बना के ये चल रही है, और आज मौसम में इतनी धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, और यहाँ पे चलाया हुआ है, 3-3 की सीरीज बनाई है। टोटल 2700 वाट के करीब है, क्योंकि 300 वाट का एक पैनल है ये, और 2700 वाट पे ये यहाँ पे चल रहा है। देखिए 3 HP का वाटर पंप, ये आप इसका प्रेशर देखिए। ये यहाँ पर मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये 3 HP की परमानेंट मैग्नेट DC मोटर है, ये देखिए। और ये यहाँ पे 3x3 का पंप लगा हुआ है इसके ऊपर, ये 3 इंची पानी दे रही है अभी, और ये यहाँ पे बोरवेल है, बोरवेल में लगा हुआ है, और ये अभी गन्ने में इधर पानी जा रहा है। तो दोस्तों पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, अगर ये किसी भी किसान भाई को ये मोटर चाहिए या पंप चाहिए या इस तरह का जुगाड़ बनवाना हो तो मुझे बताए। मात्र 9 पैनल पर चल रहा है अभी, तो धूप बहुत कम है, जब पूरी धूप होगी मौसम में तो बहुत ज़्यादा पानी देगा ये, और ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इसका प्रेशर कितना है। अभी थोड़ी सी हमारे इसमें थोड़ी सी लीक है ये यहाँ पे, तो इसमें पानी का प्रेशर थोड़ा कम आ रहा है इसमें, क्योंकि ये हमने नया वो अपना ठोका था पचपुटा, तो इसमें पानी का प्रेशर इसकी वजह से कम है, और जैसे ही ये इसकी लीक बंद हो जाएगी तो ये और ज़्यादा पानी देगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बदले में यही चाहते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएँ। और किसी भी भाई को ये इस प्रकार का बनवाना हो डायरेक्ट चलने वाला, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चल रहा है कंपनी के। अभी तो इसका अलाइनमेंट नहीं मिलाया हुआ है, अभी ऐसे ही हमने इसको जुगाड़ तरीके से चलाया, लेकिन जब इसका अलाइनमेंट मिल जाएगा तो ये पूरे चक्कर बनाए, क्योंकि 3000 RPM की मोटर है और ये पंप है 3x3 का, जब ये पूरे चक्कर बनाएगा तो बहुत ज़्यादा पानी देगा ये, और जब धूप भी अच्छी मिलेगी। तो आप देखो दोस्तों ये मैंने बनाया है, यहाँ पर चल रहा है, और अगर किसी की भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताए, मैं पूरी हेल्प करूँगा बनवाने में, या मोटर कहाँ से मिलेगी सारी चीज़। और ये मोटर मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो आप इसको, जैसे कि चारा काटने में, या चक्की चलानी है 14 या 16 इंची की, आप उसको उसमें भी इसको काम में ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ये चल रहा है यहाँ पर, देखिए ये इधर पैनल रहे, और किसी भी किसान भाई को नंबर चाहिए तो नंबर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करें और इसकी जानकारी लें, जो भी जानकारी आपको चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप बने रहें। चलो यार बन गई भाई, बंद कर रहे हो गए थे।
नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान एक सोलर पंप की नई वीडियो लेकर अपने चैनल पे आया हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने चैनल पे मैं सोलर से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, सोलर पंप से रिलेटेड। तो आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ पे ये 2 HP का पंप लगाया हमने, नया अपने हाथ से बनाया है और मैं इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 300 वाट के हमने पैनल लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे 10 पैनल रखे हुए हैं अभी, लेकिन अभी जो मोटर चल रही है वो मात्र 9 पैनल पे चल रही है, क्योंकि धूप बहुत कम है आज मौसम में। थोड़ा मौसम में धूल सी है तो धूप जो पूरी नहीं है तो जो पावर है वो पूरी नहीं बन पा रही प्लेटों से, इसलिए हमने यहाँ पे ये 9 पैनल लगाए हुए। वैसे ये 6 पैनल पे चलता है, 9 पैनल हमने लगाए हुए, 10 पड़े हुए हैं लेकिन एक पैनल ये वाला हटा रखा है। और ये यहाँ पे सीरीज बना के ये वायर आई और ये यहाँ पे चल रहा है। देखिए ये हैंडमेड है, हाथ से बनाया मैंने लोगों को, क्योंकि लोग बोले कि भैया हमें भी चाहिए और जो मार्केट में मिलता है सोलर पंप बहुत महंगा मिलता है, ये हाथ से बनाया है। ये देखिए यहाँ पे 3x3 का यहाँ पे पंप है, लेकिन डिलीवरी का भी 2.5 इंच का वो लगा हुआ है और ये यहाँ पे बोरवेल है, ये यहाँ पे यहाँ से चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना किसी कंट्रोलर के चल रहा है। यहाँ पे देखिए सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन है, ये वायर लगाए हुए हैं लाल पे लाल, वो लाल पे काला और काले पे लाल, उल्टे इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये PMDC मोटर है, दोनों डायरेक्शन में चल जाती है। तो ये पंप की जो डायरेक्शन है ये उल्टी थी, तो हमने इसलिए क्योंकि अगर हम जब हम मोटर को उल्टा उल्टे चक्कर लगाए तो तब वायर उल्टी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए ये उल्टे यहाँ पे वायर लगाई है। तो ये देखिए पंप जो इस तरह से लगा हुआ है ये, और ये अभी खाली जुगाड़ है, ये डेमो इसका टेस्टिंग करके देखी गई है अभी, और आप देख सकते हैं कितना शानदार चल रहा है यहाँ पे। ये मोटर है PMDC मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर है ये रही, और ये यहाँ पे ये पंप है, देखिए ये पंप है यहाँ पे चल रहा है। और ये गन्ने की सिंचाई है आज लाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो दोस्तों अगर किसी को भी ये चाहिए तो नंबर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखे हैं चैनल पे, वहाँ से हमारे नंबर निकाले, हमको कॉल करें। और ये इसकी कीमत बहुत कम खर्चे में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा, कीमत बहुत ही कम है ये मान के चलिए, क्योंकि ये हैंडमेड है, हाथ से बनाया है जुगाड़ करके, क्योंकि असेंबल करके सारा सामान कंपनी जो बहुत कंपनी का तो खैर महंगा ही पड़ता है, क्योंकि भाई कंपनी की चीज़ देते हैं तो महंगी तो देंगे, और साथ में कंट्रोल भी देते हैं, वारंटी भी देते हैं। लेकिन ये हाथ से बनाया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया चलता रहता है। इसके मोटर के चक्कर भी RPM बहुत हाई फाई है, लेकिन इसे खासियत यह है मोटर की, जितने इसको करंट मिलेगा उतने ही RPM बनाती है। अभी जो है चक्कर पूरे नहीं बन पा रहे क्योंकि करंट जो कम आ रहा है ऊपर से पैनल में से, तो इसलिए पानी अभी कम दे रही है। जैसे ही करंट बढ़ जाता तो ये पानी और ज़्यादा देने लग जाती। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई समस्या हो हमें या तो कमेंट करके बताएं या कॉल करें बस। और जिस किसी भाई को भी ये चाहिए, और भी मैं डालता रहूंगा, क्योंकि अब जो शुरू हो गया सोलर पंप का, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, डालता रहूंगा, हमसे जुड़ रहे हैं, आपकी कोई भी समस्या हो हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।